हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आरके कॉलेज ऑफ फार्मेसी प्रयागराज। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या है, कि कितने टाइप्स के होते हैं, इनकी क्या पैथोजेनेसिस है, इनकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, इनके क्या साइन सिम्टम्स हैं, वो हम आज स्टडी करेंगे। नॉर्मली लैंग्वेज में हम देख कह सकते हैं स्ट्रोक इज अ ब्रेन अटैक। स्ट्रोक को हम ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो आपकी आर्टरी है और जो वेसल्स हैं आपके हार्ट से ब्रेन की तरफ ले जाती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं या फिर उसमें किसी भी टाइप का ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रोक कॉज होता है। राइट, यहाँ पे देखिए, ब्रेन अटैक इट अकर्स व्हेन कट ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन या लेस ब्लड सप्लाई। आपको इससे पहले मैंने प्रीवियस लेक्चर में कई बताया था कि इस्केमिक हार्ट फेल्योर के बारे में या इस्केमिक हार्ट अटैक के बारे में। राइट, तो जब आपके हार्ट में ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता था सफिशियंट अमाउंट में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती थी, इसलिए इसे हम इस्केमिक हार्ट फेल्योर भी कहते थे। सेम वही थिंग ब्रेन के साथ भी है। ब्रेन को सफिशियंट अमाउंट में अगर ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो फर्दर एटीपी नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से जो ब्रेन की टिश्यूज हैं या ब्रेन नर्व्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। राइट, यहाँ पे देखिए लिखा है, इट अकर्स व्हेन कट ऑफ ब्लड फ्लो इन द ब्रेन लेस ब्लड सप्लाई, देयर फॉर ब्रेन सेल्स आर डिफिशियंसी ऑफ O2 एंड बिगिन टू डाई। ठीक है, O2 की डिफिशियंसी में ये डाई भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं आपकी जो न्यूरॉन्स हैं। इसे हम बोल सकते हैं स्ट्रोक को सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, CAV। अगर एग्जाम में स्ट्रोक ना देके अगर सीबीए पूछेगा तो आप घबराइएगा नहीं, सीबीए का मीन है सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट। राइट, WHO ने कहा था, इसकी डिफिनेशन जो दी है स्ट्रोक की, उन्होंने कहा स्ट्रोक डिफाइन हीमोलॉजिकल डिफिशाइट ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर कॉज दैट परसिस्ट बियॉन्ड 24 आवर आर इट्स इंटरप्टेड बाय डेथ विद इन 24 आवर। मतलब WHO ने जो स्ट्रोक की डिफिनीशन दी है वो फाइनल डिफिनीशन दे के कहा है कि इसमें क्या होता है, विद इन 24 आवर जो है मे बी डेथ कॉज हो सकती है। ये एक हीमोलॉजिकल डिफिशियंसी वाली सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज है। राइट, अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। ये आपके क्या है, ब्रेन है, ब्रेन में फ्रॉन्टल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है, सारे लोब्स होते हैं। राइट, अब ब्रेन को जो आर्टरी हार्ट से ब्लड को ब्लड की सप्लाई करती है वो दो है आपकी आर्टरी, एक है आपकी कैरोटिड आर्टरी और एक होता है बैसिलर आर्टरी। राइट, ये आपका क्या है, हार्ट है। वह हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है, आपको पता है प्योर ब्लड आपके लंग से आ रहे हैं। ठीक है, और आपकी जब आप फूड इंजेस्ट करते हो तो फूड क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाके जब ये एब्जॉर्ब होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, उस समय जो ब्लड सप्लाई होगा आपके हार्ट तक आएगा वो क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। ये दोनों क्या है, प्योर ब्लड आपके हार्ट तक आ रहे हैं, देन ये हार्ट से फर्दर आपके पेरिफेरल ऑर्गन में, आपके वाइटल ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होते हैं, किडनी में जाएगा, फिर उसके बाद लीवर में भी जाएगा, और हार्ट से ही अटैच होती है आपकी कैरोटिड आर्टरी जो कि आपके फ्रंटल और मिड ब्रेन तक ब्लड सप्लाई करती है। राइट, और बैसिलर आर्टरी आपके पैराइटल और सेरिबेलम तक ब्लड सप्लाई करती है। एक चीज और जो है इसेंशियली बताना चाहूंगी कि जो आपकी इम्प्योर ब्लड होती है वो एक्सटर्नल जगलर वेन के थ्रू आती है, और जो आपकी प्योर ब्लड होता है, आपका प्योर ब्लड होता है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, अब इसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रोक्स कितने टाइप्स के होते हैं।
जो भी स्ट्रोक्स होंगे किसी भी टाइप के, ये तो या तो ब्लॉकेज की वजह से होंगे, आपके आर्टरीज या वेसल्स में ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, या फिर हिमोरेज। ब्लॉकेज ये सपोज ये आपकी क्या है, आर्टरीज है, इसमें अगर प्लग का फॉर्मेशन हो जाए या ब्लड क्लॉट का हो जाए तो इसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, उस कारण भी हो सकता है आपका स्ट्रोक। दूसरा क्या है कि हिमोरेज, अगर आपकी ये ब्लड वेसल्स ही रप्चर हो जाए तो जो ब्लड आपके वेसल्स में होना चाहिए वो ब्लड आपके वेसल्स में ना होके आपके ब्रेन टिश्यू में जो है सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, ब्रेन हैमरेज। यहां आप देख सकते हैं टाइप्स में, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हिमोरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक मोस्ट कॉमन होता है जो कि 85% स्ट्रोक्स होते हैं, मतलब ये है कि जितने भी टाइप्स के स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक्स पाए जाते हैं पेशेंट्स में, मोस्ट कॉमन होता है 85% लगभग इस्केमिक स्ट्रोक ही होते हैं, हिमोरेजिक कम होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है इस्केमिक स्ट्रोक में, कि ये आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स है, फर्दर ये डिवाइड सॉरी आर्टरीज हैं, ये सब आर्टरीज में डिवाइड होंगी, फिर आर्टरीज में डिवाइड होंगी, है ना, नैरो होती हैं आपकी आर्टरीज। अब अगर किसी भी तरीके का यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए, ब्लॉकेज इन द सेंस कि मे बी ब्लड क्लॉट या फिर प्लेग या फिर फैट का डिपोजिशंस हो जाए जिसकी वजह से ब्लड का प्रॉपरली फ्लो ना हो पाए, इसकी वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम होगी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी और आपकी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक, जो कि टू टाइप्स के होती हैं, एक होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक एंड इबोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज में है जो क्लॉट हो रहा है, थ्रोम्बस या फैट का जो डिपोजिशंस हो रहा है या कह सकते हैं एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो आपकी आर्टरी में हो रहा है, कहाँ, जो आपके ब्रेन में है, ठीक है। और इम्बोलिक स्ट्रोक्स में क्या है कि अदर जो भी क्लॉट या फिर डेब्रिस का डिपोजिशन एक्यूमुलेशन हो रहा है वो अवे फ्रॉम द ब्रेन। थ्रोम्बोटिक जो ब्रेन की आर्टरीज में क्लॉट हो रहा है वो थ्रोम्बोटिक है, और इम्बोलिक क्या है जो अवे फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से हट के, सपोज आपकी मेनली हर्ट हार्ट में अगर किसी भी तरीके की डेब्रिस या क्लॉट का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इस जिसकी वजह से आपकी आर्टरी नैरो हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है, फर्दर वो ब्लड का फ्लो आपके ब्रेन तक नहीं ले जा पा रही है, इस कंडीशन को हम बोलेंगे इबोलिक स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हिमोरेजिक स्ट्रोक में, हिमोरेजिक स्ट्रोक उसे कहते हैं जब आपकी ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाए या फिर लीकेज हो जाए, आपके ब्लड वेसल्स ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीक करने लगे, लीक आउट, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब ये क्या है, लीक हो रहा है ना, ठीक है। अब ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रा सेरिब्रल हिमोरेज और एक होता है आपका सब एराकनॉइड हिमोरेज। इंट्रा सेरिब्रल हिमोरेज में क्या है, रप्चरिंग ऑफ द ब्रेन ब्लड वेसल्स स्पिल ब्लड इन द सराउंडिंग ऑफ द ब्रेन टिश्यू। इसमें क्या होता है कि जो आपके सेरिब्रल में लीकेज होता है, सेरिब्रल की जो ब्लड वेसल्स है उसमें लीकेज होता है, जिसकी वजह से ब्रेन के सराउंडिंग में क्या होता है कि ब्लड पूरा ब्लीडिंग होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब सब एरेक्नॉइड में जैसा कि आपको पता है कि तीन मेनिंजिस लेयर्स होती हैं आपकी, पिया मेटर, ट्यूरा मेटर एंड एरेक्नॉइड मेटर, और सब एराकनॉइड मैटर इसके जस्ट नीचे की लेयर होती है अराकनॉइड मैटर की, ठीक है। तो सब अराकनॉइड हिमोरेज में क्या होता है कि ये जो आर्टरी रप्चर होती है वो आपकी किस में होती है, ये तीनों लेयर के बाद की, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अराकनॉइड मैटर एंड सब अराकनॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, ब्रेन के स्पेस में जो आपके तीनों मेनिंजिस लेयर के बीच में जो स्पेस होता है आप सब अराकनॉइड मैटर लास्ट वाले में, उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक ये है कि बहुत ज्यादा सीवियर ब्लीडिंग होने पे सीवियर हेडेक कॉज होता है। अब ये हेमोरेजिक स्ट्रोक में दो हो गए,
आपके इंट्रा सेरिब्रल हिमोरेज और सब अरेक्नॉइड हिमोरेज। नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में फैक्टर कैन बी मॉडिफाइड, वो फैक्टर जो कि हम मॉडिफाइड कर सकते हैं रूटीनली या फिर मेडिकेशन के थ्रू। सपोज हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरलिपिडीमिया, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, इसी को बोलते हैं ना हाइपरलिपिडीमिया को एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, फैक्टर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, वो फैक्टर जो हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, आपके क्या है, जेंडर है, इंक्रीजिंग एज है एंड फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस में मैंने आपके इस्केमिक और हिमोरेजिक दोनों को कवर करने की कोशिश की इसमें। जो ये क्या है, अगर जो इटियोलॉजी है आपकी क्या है, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है स्ट्रोक, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से स्ट्रोक हो रहा है। तो अगर हाइपरटेंशन है तो ब्लड प्रेशर हाई है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी आपके इंक्रीज कर जाएंगे, राइट। अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो आपके ब्लड सेरिब्रल वेसल्स के, सेरिब्रल आर्टरीज के भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से रप्चरेशन की जो है प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी आपके ब्लड वेसल्स या आर्टरीज रप्चर कर जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल हेमोरेज होगा, सेरिब्रल में बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होगी। अगर ये ब्लीडिंग क्लॉट कर जाती है, इसी को बोलते हैं सेरिब्रल हेमाटोमा, ब्लीडिंग, यही जो ब्लीडिंग हो रही है वो अगर आउटसाइड ऑफ द ब्रेन वेसल्स, मतलब ब्रेन वेसल्स के बाहर अगर ये क्लॉट कर जाती है तो ये क्या होता है, हिमेटोमा, सेरिब्रल हिमेटोमा, जिसकी वजह से क्या होगा, थ्रोम्बस या इम्बोली का फॉर्मेशन होगा, इसी को बोलते हैं क्या, इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं, राइट। अभी तक हीमोरेजिक स्ट्रोक था, ये इस्केमिक स्ट्रोक है, जिसकी आप क्या है, इस्केमिक स्ट्रोक हो जाने की वजह से पार्टिकुलर जो पार्ट है ब्रेन का, वहां का जो फंक्शन है वो अब काम करना बंद कर देगा, जो फाइनली रिजल्ट क्या है, स्ट्रोक। फर्स्टली डिफेक्टेड एरिया ऑफ ब्रेन डिस्टर्ब इट्स फंक्शन, और धीरे धीरे वहां की टिश्यूज भी जो है डिस्ट्रॉय होने लगेंगी, डिजेनरेट होने लगेंगी, ये आपके पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर हेडेक, पहले भी बताया आपको, वोमिटिंग, अनकॉन्सियसनेस, लॉस ऑफ विजन या ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखाई देगा, लॉस ऑफ बैलेंस, बॉडी में बैलेंस नहीं बनेगा, नमनेस, मतलब बॉडी आपको सुन्न जैसी लगेगी, सेंसेशन फील नहीं होगा, एक्सट्रीमली वीकनेस इन द मसल्स ऑफ आर्म एंड लेग, पैर और आपके हाथों की मसल्स में वीकनेस लगेगी, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में भी प्रॉब्लम होगी, रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, मोटर फंक्शन का लॉस हो जाना, मेमोरी लॉस, परमानेंटली पेन बना रहेगा आपके बॉडी में, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है और इसकी वजह से ही डिप्रेशन भी कॉज हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।